अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि बच्चों आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको एक नज़म हमदर्दी पढ़ाई थी जो अधूरा रह गया था, आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि एक बुलबुल था, वो दरख्त पर बैठा था लेकिन वो बहुत ही गमगीन था क्योंकि उसके सर पे रात आ गई थी और वो अपने आशियाने यानी घर तक नहीं पहुँच पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। तो चूँकि मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि ये एक नज़म है तो हम शुरू करने जा रहे हैं। सुनकर बुलबुल की आहवजारी, सुनकर बुलबुल की आहवजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। सुनकर बुलबुल की आहवजारी, ये बुलबुल जब नालो फरियाद कर रहा था तो वहाँ पे इसके पास एक छोटा सा कीड़ा बैठा था। ये इस कीड़े का नाम क्या है? जुगनू। जुगनू जो है ये कीड़ा इसके पास बैठा था तो इसने बोला, जब इसने इसकी आहवजारी सुनी, इसकी नालो फरियाद सुनी, तो इसने इस जुगनू ने बुलबुल से आकर कहा, हाजिर हूँ मदद को जाँव दिल से, कीड़ा हूँ अगरच मैं जरा सा, मैं एक छोटा सा कीड़ा तो हूँ लेकिन ऐ मेरे दोस्त मैं दिलो जान से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है हमदर्दी है, मदद करने को ही हमदर्दी कहते हैं। तो ये इसके पास आकर कहता है कि मैं दिलो जान से आपकी मदद करूँगा, मैं आपको दिखता हूँ मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया। अल्लाह ने मुझे चमकने की एक ऐसी चीज़ दी है जिससे मुझे क्या होता है, अल्लाह ने जैसे मुझे एक, अल्लाह ने मुझे एक रोशनी दी है, मुझे रोशनी अता की है, उस रोशनी से क्या होता है मैं रात को चमकता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं एक दिया हूँ, उस रोशनी से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या गम है जो रात है अंधेरी, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं रख मैं रोशनी करूँगा। आपको कौन सा गम खाए जा रहा है, आपको कौन सा गम खाए जा रहा है? मेरे दोस्त आप चिंता मत करो, मुझे अल्लाह ने क्या दी है, ऐसी चमक दी है कि अगर रात भी आ जाए, अगर अंधेरी भी आ जाए, मैं उस अंधेरी को दूर कर सकता हूँ। आप फिक्र ना करो, मैं आपको आपके घोंसले तक पहुँचाऊँगा, मैं आपको आपके घर तक पहुँचाऊँगा। हैं लोग वहीं जहाँ मैं अच्छे, हैं लोग वही जहाँ मैं अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के, वही लोग दुनिया में अच्छे होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। हमें भी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर किसी को तकलीफ़ में देखोगे, अगर किसी को दुख में देखोगे और जाओ जाकर उसकी मदद किया करो। इस नज़म का जो निचोड़ है वो यही है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।